भेद भ्रांति से ही होता है। उस भेद भ्रांति को दूर करने के लिए श्रुति उपदेश करते हैं। मेरे भाई ये श्रुति क्यों उपदेश करती है? बोले श्रुति नहीं उपदेश करते हैं, मगरू बल उपदेश करते हैं। लेकिन उससे क्या मतलब है? तुम अपनी इंद्रियों के द्वारा इस पूर्ण वस्तु की जब खोज नहीं कर सकते, आंख पूर्णता को नहीं जान सकती, जीभ पूर्णता को नहीं जान सकती, नाक पूर्णता को नहीं जान सकती, तो तुम्हारे अंदर इस पूर्णता का विचार आधान करने के लिए तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे हृदय में इस पूर्णता का विचार, इस ब्रह्मता का विचार, इस अपरिच्छिन्नता का विचार, इस एक रस अखंड का विचार आधान करने के लिए कोई न कोई चाहिए। और वो वचन के द्वारा जब तुम्हारी बुद्धि में इस बात को डाल देगा कि ऐसा एक ब्रह्म है, ऐसा एक अपरिच्छिन्न है, ऐसा एक परमात्मा है, तब आपको विचार होने लगेगा, आप स्वयं विचार कर लीजिए। लेकिन पहले पहल एक बार ऊपर से जाने बिना केवल इंद्रियक अनुभव से इस विचार का उदय नहीं हो सकता, ऐसा वेदांत का कहना है। वेदांत का इतना कहना है कि एक बार हमसे सुन लो, है ना, क्योंकि तुम्हारी आंख पूर्ण को नहीं देखती है, नाक पूर्ण को नहीं सुनती है, तुम्हारी जीभ पूर्ण को नहीं सकती है, तुम्हारी त्वचा पूर्ण का स्पर्श नहीं करती है, तुम्हारे कान में पूरी बात नहीं आती है, तो इसलिए हम एक बार, तुम्हारे मन में पूरी बात नहीं आती है, तुम्हारी बुद्धि पूर्णता को ग्रहण नहीं कर पाती है, तो आओ एक बार हम उस पूर्णता के संबंध में तुम्हारे अंदर संस्कार डाल देते हैं और फिर तुम स्वयं विचार कर लो। और कोई माई का नाम ऐसा नहीं है कि कहीं हमने पूर्णता का नाम नहीं सुना है किसी भाषा में, और हम माँ के पेट में थे जब भी विचार करते थे, तो माँ के पेट में थे जब भी सुना था। तो ये स्मृति कहती है जस्मात परम ऋतु स्मृतिया तया पुरुषम क्षणम विनिर्णीताम। स्मृति ने स्पष्ट रूप से पुरुष का लक्षण बताया है, क्या तब पुरुष एक है, पुरुष स्थिर है, पुरुष अपनी महिमा में छोट है, पुरुष से बड़ा छोटा दूसरा कोई नहीं है, पुरुष में कार्य कारण नहीं है, पुरुष में पहले पीछे नहीं है, माने पुरुष में देश नहीं है, पुरुष में काल नहीं है, पुरुष में वस्तु नहीं है, पुरुष में जाति नहीं है, व्यक्ति नहीं है, परिमाण नहीं है। ये बात श्रुति ने निर्णय करके दी है, ये श्रुति का निर्णय है कि आत्मा का लक्षण ये है, आत्मा की पहचान ये है। आपको केवल सुख चाहिए, सबको छोड़कर अपने आप में बैठ जाए, तो आपको शांति चाहिए तो सबको छोड़कर अपने आप में थोड़ी देर बैठ शांति मिल जाएगी, लेकिन फिर अशांति आएगी, हाँ फिर दुख आएगा। लेकिन इस ज्ञान को आप प्राप्त कर लेंगे तो सुख दुख भी आपका स्वरूप हो जाएगा। जिन लोगों को केवल शांति काल में या समाधि काल में ही सुख मिलता है और व्यवहार काल में सुख और शांति नहीं मिलती है, उनकी शांति तो आधी है ना, उनका सुख आधा है। और जिनका जागृत स्वप्न सुसुप्ति है ना, अंतर बहिः और अंतराल, जिनका भूत भविष्य और वर्तमान सर्व ब्रह्ममय हो गया है, फूल सूक्ष्म कारण विश्व तैज प्राज, जिनका सर्व ब्रह्ममय हो गया है, ब्रह्म रूप हो गया है, उनके लिए तो अखंड शांति है, अखंड सुख है। सर्वं विनिधेन निर्णीतम कथम स्याद् देह कः पुमान। तो श्रुति ने तो पुरुष का लक्षण ये निर्णय किया है, अब विनिधेन निर्णीतम देह का पुमान इति निर्णीतम कथम स्याद्। मूढ़ लोगों ने जो निर्णय किया है कि मैं देह हूं, उनकी अकल तो अटक गई है। देखो धर्म के नाम पर जो युद्ध होते हैं,
वो पत्थर के अज्ञान को बचा। जब देवता दैत्य लड़ने लगते हैं तो महात्मा लोग देखते हैं कि दोनों में एक ही आत्मा है, ये क्यों देवते की से डरते हैं? देवता में भी वही आत्मा, दैत्य में भी वही आत्मा, एक ही अखंड आकाश, चिराकाश सब में भरपूर है, क्यों देवता दानव क्यों लड़ते हैं? अज्ञान से लड़ते हैं। क्या हिंदू मुसलमान क्यों लड़ते हैं? तो अज्ञान से लड़ते हैं। तो हिन्दुस्तान पाकिस्तान क्यों लड़ता है? अज्ञान से लड़ता है। तो सही वैष्णव क्यों लड़ता है? तो अज्ञान से लड़ता है। तो वो देखता नहीं किताब के भीतर एक ही है। भाई भाई क्यों लड़ते हैं? पति पत्नी क्यों लड़ते हैं? उनको मालूम नहीं है कि संयोग और वियोग में एक ही तत्व, एक ही रस काम करता है। तो सर्वम पुरुष एवेति उक्ते पुरुष संगते अच्युते यतस्तृतीया प्रथम देह का अपमान। तो देखो एक बात तो ये कही कि ब्रह्म के अतिरिक्त पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, तो तुम अपने को एक देह क्यों मानते हो? बात यही कहनी है कि तुम अपने को ये देह क्यों मानते हो? तो एक दृष्टि ये रखी कि ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो तुम देह कैसे? अब दूसरी दृष्टि रखते हैं, सर्वम पुरुष एवेदम सूक्ते पुरुष संयते। देखो ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई नहीं है तो तुम देह कैसे? एक बात, तब ब्रह्म ही सब है तब तुम देह कैसे? अगर ये दो पहलू हुए हैं विकास में, सर्वम पुरुष एवेति सूक्ते पुरुष संयते अच्युच्यते यतः श्रुतिया प्रथम स्यात् देह का अपमान। श्रुति कहती है पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यद स्वभाव्यम उता अमृतत्वस्मी सानो यदन्नेनातिरोहति। पुरुष का कहना है पुरुष एवेदम सर्वम इदम सर्वम, ये औरत और मर्द स्त्री और पुरुष के शरीर का कोई भेद नहीं है, खंभा और मनुष्य का कोई भेद नहीं है, सब में पुरुष ही पुरुष है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है ये, और सब परमात्मा है ये, ये बोलने का ढंग होता है। आपको सुनाया होगा जब विदेशी वस्त्र का बहिष्कार है तो सब नेता गिरफ्तार हो गए। विदेशी वस्त्र के बहिष्कार का आंदोलन चला, गांधी जी गिरफ्तार, ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। काशी में हुई टाउन हॉल में सभा और मालवीय जी हुए उसके सभापति, विरोध करने के लिए करना है तो एक संवाददाता भरी सभा में उठ के खड़ा हो गया। उसने पूछा कि सब नेता गिरफ्तार हो गए, बड़े बड़े लाला लाजपत राय गए, मोतीलाल नेहरू गए, पटेल गए, गांधी गए जेल में, और आप बाहर क्यों हैं? क्या आप अंग्रेजों से मिले हुए हैं? किसी ने आक्षेप किया है तो बोले कि नहीं, हमारी बोली में और गांधी जी की बोली में फर्क है, सिद्धांत में फर्क नहीं है, बोली में फर्क है। तो क्या फर्क है? तो गांधी जी कहते हैं कि विदेशी मत पहनो और हम कहते हैं कि स्वदेशी ही पहनो। हाँ, तो गांधी जी की बोली में कानून का विरोध है, विदेशी मत पहनो मना करने का हक नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि स्वदेशी ही पहनो, इसमें कानून का कोई विरोध ही नहीं है। स्वदेशी ही पहनो, इसमें कानून का विरोध नहीं होता। तो अद्वैत वेदांत
लेख लेख करके जब विचार करता है, पहले ये विचार करता है कि दृश्य से दृष्टा जुदा है, फिर बताता है कि दृष्टा परिच्छिन्न नहीं है, देश परिच्छिन्न नहीं है, काल परिच्छिन्न नहीं है, वस्तु परिच्छिन्न नहीं है, अद्वितीय है, माने दृष्टा ब्रह्म है, तो ब्रह्म रूप दृष्टा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। एक बात है। दूसरी वस्तु हुई कि जितने घड़े हैं वो सब माटी ही है, क्योंकि ये सारी सृष्टि परब्रह्म परमात्मा में बनी है, परमात्मा में रह रही है, परमात्मा में लीन होती है, इसलिए सारी सृष्टि के रूप में परमात्मा ही दिखाई पड़ रहा है। ये मनुष्य को जो दुख होता है उसका कारण क्या है? परमात्मा में भेद करने से ही दुख होता है। परमात्मा के एक हाथ को तो समझते हैं कि ये परमात्मा का है, तो उसमें लगाते हैं चंदन, और परमात्मा के दूसरे हाथ को समझते हैं शैतान का है, तो उसको कुल्हाड़े से काटते हैं। हाँ, तो परमात्मा एक हाथ में चंदन लगाने का वरदान देता है, सुख देता है, और एक हाथ को कुल्हाड़े से काटने का दुख देता है। ये भेद दृष्टि जो है, इस भेद दृष्टि में ही धर्माधर्म, राग द्वेष, सुख दुख, सदगति दुर्गति का इनको उपस्थित किया है, और जिनके चित्त में नारायण अद्वितीय तत्व दृष्टि है, आत्मदृष्टि, वहाँ दुख नहीं है। बात ये दुख तो नहीं है, पर हमारे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए ये चाहने वाले नहीं है, चाहने वाले बहुत थोड़े हैं। देखो गीता में ये बात बताई, वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा को दुर्लभ है। आप देखो बातों होंगी, ईश्वर तो सब है, परंतु इस बात को जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। बहूनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। बहुत जन्मों के बाद ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के बाद पहचान ये होती है कि सब वासुदेव है, लेकिन ऐसा महात्मा होना, ऐसा महात्मा मिलना तो दुर्लभ है। महात्मा दुर्लभ है, भगवान सुलभ है। भगवान तो सब है, परंतु सब भगवान है इसको पहचानने वाला महात्मा दुर्लभ है। क्या महिमा है? सर्वम पुरुष एवेदम सूक्ष्म पुरुष संकित। आपको मालूम है तस्मादश्वा जायंत ये केतो भयादतः। घोड़े उसी से पैदा हुए हो, दो दो और जिनके दांत होता है ऐसे सब कुछ। तस्मा जाता अजावया, बकरी भी उसी से पैदा हुई, यजा और अभी, अभी माने भेड़ भी उसी से पैदा हुई, भेड़ और बकरी भी उसी से पैदा हुई। इसका अभिप्राय है कि जैसे एक मोम ले लो, है ना, उसमें स्त्री बना दो मिटा दो, पुरुष बना दो मिटा दो, भेड़ बना दो मिटा दो, बकरी बना दो मिटा दो, वो क्या है? मोम है। इसी प्रकार ये संपूर्ण जो जगत है इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही, माटी भी वही और कुमार भी वही। तो इसमें देखो मतभेद नहीं। आपको एक बात बताऊं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने ईश्वर स्वयं सृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है, इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर है, इस बात को न्याय दर्शन नहीं मानता है, सांख्य दर्शन नहीं मानता है, पूर्व मीमांसा नहीं मानती है, ये बात तो ठीक है, पर वेदांत दर्शन, अब वेदांत दर्शन में आप लोग केवल शंकराचार्य को मत समझना,
मध्वाचार्य द्वैतवादी मध्वाचार्य भी यही मानते हैं कि ये सृष्टि ईश्वर का ही रूप है और उसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर ही है। अच्छा श्री रामानुजाचार्य जी महाराज विशिष्टाद्वैत महाराज वो कहते हैं कि जैसे एक अनार और उसमें बूदा और बीज और छिलका सब अनार अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने बनने वाले भी वही बनाने वाले भी वही ये सारी सृष्टि के रूप में ईश्वर ही है। विशिष्टाद्वैतवादी वल्लभाचार्य कहते हैं न माया ने खाया अरे ये मैं तुम यह वह सब जो का तो परमेश्वर है और वल्लभाचार्य महाराज निंबार का चार्ज मानते हैं तो जैसे जैसे जब हम कहते हैं ये आम का वृक्ष है तो आम की जड़ आम का तना आम का छिलका आम की शाखाएं आम की डालियां छोटी छोटी और आम के पत्ते और आम का जड़ और आम का फल सब का सब आम है कार्य कारण में अभेद होता है। निंबार का चार्ज महाराज कहते हैं एक दृष्टि से एक दिखाई पड़ता है और एक दृष्टि से अवैध दिखाई पड़ता है अभिन्न निमित्त साधन कारण तो इस जगत का ईश्वर ही है। तो निम्बार का चार्ज बल्लभाचार्य मध्वाचार्य रामानुजाचार्य और आपको क्या बतावे सब संगाचार्य सब शास्त्राचार्य सब गणपत्याचार्य सब सौराचार्य सब शास्त्राचार्य यही मानते हैं एक जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो स्वयं सृष्टि के रूप में बना हुआ है सृष्टि के रूप में बना हुआ है माने सृष्टि से भिन्न नहीं है। आप ये कहो कि आप कुछ इस विश्व तत्व के बारे में सृष्टि तत्व के बारे में विचार करने का मौका नहीं है, है? आप लोग को जितनी बारीकी से पहचान सकते हो उतनी बारीकी से इस विश्व सृष्टि में कौन सा तत्व है उसको पहचानने की जरूरत नहीं समझते। यदि आपको अपने मन में शाश्वत शांति की इच्छा होती यदि अखंड आनंद की इच्छा होती यदि परमानंद रस की आवश्यकता होती तो आप छोटी छोटी बातों में न उलझ के इसके बारे में विचार करते हैं। उसका ये प्रयोजन है कि दुख की आत्यंत निवृत्ति हो जाए उद्वेग की आत्यंत निवृत्ति हो जाए बेचैनी और अशांति हमेशा के लिए लेट जाए ये वस्तु इससे प्राप्त होती है। तो सब परमात्मा आप देखो इसमें भेद क्या करता है कि जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण चेतन है कि जड़ है कि दोनों है। तो देखो जड़ तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बनने वाला तो भले हो पर बनाने वाला नहीं हो सकता और ईश्वर जो है ना चेतन जो है तब वो बनाने वाला तो भले हो सकता है पर बनने वाला नहीं हो सकता क्योंकि चेतन में परिणाम नहीं होता चेतन परिणाम का साक्षी होता है। चेतन में परिणाम होने पर वो बौद्धों के क्षणिक विज्ञान के समान हो जाता है खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाए अगर वो बदलता जाए तो उसका कोई स्वरूप ही नहीं रहेगा। तो जो चेतन है वो तो परिवर्तनशील परिणामी कारण नहीं हो सकता और जो जड़ है वो बनाने वाला निमित्त कारण नहीं हो सकता। तो बोले दोनों मिल के बनाते होंगे या तो दोनों खंड खंड होंगे दोनों दो होंगे तब जड़ सत्य है कि चेतन सत्य है बोले तो अपना आपा चेतन है और जड़ जो है वो अन्य है तो अनुभूति के क्षेत्र में अपना आपा सत्य होता है क्योंकि कोई भी अनुभूति आत्मा के बिना सिद्ध ही नहीं होती है बुद्धि से बड़ा अनुभव है
और विषयों में भेद होता है, अनुभव में भेद नहीं होता। अनुभव तो आत्मा का स्वरूप ही है। इसका अर्थ हुआ कि चेतन अपरिणामी है और उसमें जो परिणाम भासता है वो मिथ्या है। एक आत्मदेव बिना किसी अदला बदली के, बिना परिवर्तन के, बिना परिणाम के, एक रस अखंड सत्ता के रूप में रहते हुए एक रस अखंड सत्ता, अखंड चेतन, अखंड आनंद के रूप में रहते हुए सृष्टि के रूप में भास रहे हैं। तो परमात्मा के सिवाय और कोई चीज नहीं, तो फिर इसमें से एक टुकड़ा मैं हूँ, ये देह मैं हूँ, देह इसका क्या अर्थ हुआ? काल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते, झूठे हैं। रात दिन काल के टुकड़े नहीं कर सकते, ये पूरा पश्चिम देश का टुकड़ा नहीं कर सकता, झूठा है। एक नहीं हजार बार ये बात विचार से सिद्ध होती है कि पूरब और पश्चिम के टुकड़े दिक्तत्व के टुकड़े नहीं है, झूठे कल्पित हैं दिक्तत्व में। हमारे देह से ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, और है ना, जो अभी ये देह की उपाधि से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना दिक्तत्व में हुई है। वर्तमान है ना, घड़ी और दिन और रात और धरती आदि की उपाधि से काल तत्व में पहले और पीछे की कल्पना हुई है। इसी प्रकार है उपाधि के कारण, अंतकरण की उपाधि के कारण सब तत्व में कार्य और कारण की कल्पना हुई है। पर वस्तुतः सब तत्व में सिर्फ तत्व में कार्य कारण नहीं है, एक अद्वय तत्व है, वही मैं, वही तुम, ये सारी सृष्टि उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। असंग पुरुष प्रोक्त वृहदारण्य केतु अनंत मन संश्लिष्ट कथम सेह का कुमान। युक्ति से समझाने के बाद श्रुति से समझा रहे हैं ना, असंग पुरुष प्रोक्त गृहदारण्य केतु गृहदारण्य। ये महात्मा लोग कहाँ रह के तत्व का दर्शन करते हैं? बोले अरण्य में। अरण्य जहाँ रणार्ह कोई न होए, कोई राग द्वेष न होए, कोई कोई युद्ध वैमनस्य संघर्ष कटुता न हो, नहीं तो महाराज जिससे दुश्मनी हो जाती है ना, उसकी अच्छाई भी बुराई दिखती है, और जिससे दोस्ती हो जाती है उसकी बुराई भी अच्छाई दिखती है। चीज में अच्छाई बुराई नहीं होती, ये मनीराम का फर्क है ना। कान भर भर के लोग दिल बिगाड़ देते हैं, और तो ये सत्संगी लोग जो होते हैं ना, सत्संगी ये इतना भी नहीं सोचते हैं कि किस आदमी ने हमारा दिल बिगाड़ा और किसने हमारा दिल बनाया, ऐसा भी नहीं सोचते हैं ना। जिसने हमारे हृदय में ईश्वर को डाल दिया उसने हमारे हृदय को बना दिया, और जिसने हमारे हृदय में राजद्वेष डाल दिया, बुराई भलाई डाल दी, उसने हमारे दिल को बिगाड़ दिया। इतनी पहचान अगर आदमी को न हो कि किसने हमको जहर दिया और किसने अमृत खिलाया, ये निंदा करने वाले और दुनिया में किसी चीज की तारीफ करके उससे आसक्ति कराने वाले, ये दोनों जहर देने वाले हैं, जहर देने वाले हैं। और जो परमेश्वर की तारीफ करके हमारे मन को परमेश्वर में लगाता है वो हमको अमृत पिलाने वाला है, क्योंकि वो राग द्वेष के झगड़े से हमको छुड़ाता है। तो इतनी भी पहचान अगर सत्संगी को न हो तो उसका इतने दिनों का सत्संग क्या काम कर रहा है, इस बात पर विचार करना चाहिए। जिससे तुमको श्रद्धा मिलती है वो तुमको अमृत देता है, जिससे तुमको संशय मिलता है वो तुमको विष देता है। तो विष देने वाले और अमृत देने वाले की पहचान तो होनी चाहिए ना। महाराष्ट्र में एक रामायण है, सुना रहा है, उसमें ये कथा है। समर्थ रामदास राम चरित लिख रहे थे,
तो वो रोज रामचरित्र लिखते और हनुमान जी को सुनाते हैं। एक दिन उन्होंने सुनाया कि लंका में अशोक वन में जानकी जी हनुमान जी महाराज ने जब अशोक वन में प्रवेश किया तो वहां सब श्वेत कमल खिले हुए थे सरोवरों में। और हनुमान जी को ही सुनाया तो हनुमान जी बोले कि रामदास ये सब बात तो ठीक है लेकिन लंका के सरोवरों में श्वेत कमल नहीं थे, सब के सब रक्त कमल थे, लाल लाल कमल थे, हमने देखा था। तो रामदास ने कहा कि नहीं महाराज, हाँ हमने जो लिखा है तो ठीक है और आपने जो देखा है तो गलत है। बोले कि इसका निर्णय कैसे हो? जब जानकी जी को अशोक वन में 10 महीने रही थी, अब उनसे पूछा जाए तो जानकी जी से पूछा गया तो जानकी जी बोली कि ठीक है, हनुमान जी ने लाल कमल देखे थे ये भी ठीक है और रामदास ने जो लिखा है कि सब सफेद कमल थे वो भी ठीक है। कहिए कैसे? बोले जिस समय हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया राक्षसों पर क्रोध के कारण उनकी आंख लाल लाल हो रही थी तो उनकी आंखों की लाली कमल में दिखाई पड़ी, असल में कमल तो सफेद ही थे। तो जब मनुष्य का दिल आदमी बिगाड़ देता है ना, अपना दिल बिगड़ गया। बसंती ही प्रेम ने गुणा न वस्तु में, जिसका जिससे प्रेम होता है उसमें उसके गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। गुण का निवास प्रेम में है, बद्दू में नहीं। और दोष का निवास द्वेष में है, वस्तु में नहीं। अगर हमारे हृदय में द्वेष है तो दोष दिखेंगे, हमारे हृदय में राग है तो गुण दिखेंगे। ये आदमी ने अपने दिल के बारे में सोचना चाहिए। तो वस्तु क्या है? तो वस्तु के निर्गुण है, न उसमें गुण है न दोष है, ये अनादि अनादि सिद्ध जो संस्कार और संस्कारानुसारणी वासना की परंपरा है हृदय में, वासना संतान जो है हृदय में, इसके कारण हमको राग द्वेष होता है। परमात्मा में, वस्तु में, ब्रह्म में, तत्व में, आत्मा में, पुरुष में कहीं राग द्वेष का कोई कारण नहीं है। तो ये पुरुष कैसा? बोले असंगः, असंगो नहीं सब्जेक्ट है। तो उसे कहते हैं असंग है, ये कहीं आसक्त नहीं होता। देखो आपने हजारों मील की यात्रा की होगी, हमने तो हजारों मील की पैदल यात्रा की है। कहीं कहीं ऐसे बगीचे मिले हैं, ऐसी नदी मिली है, कहीं कहीं ऐसे पत्थर मिले हैं ना, कहीं कहीं ऐसे भगवान मिले हैं ना। अब उनकी यादें जाती है लेकिन उनको छोड़ के हम अपने रास्ते में बढ़ते गए। कहीं रुके थोड़ी, ये भी जहां अच्छा लगा वहीं रह गए। रास्ता हजारों मील की यात्रा पैदल की है, मोटर से की है, ट्रेन से की है, हवाई जहाज से की है। जहां हवाई जहाज जलने लगा वहां कूद तो नहीं, तो ऊपर नीचे होने लगा तो कूद तो नहीं पड़े ना। मोटर के लिए खराब रास्ता आया, पार कर गए उसको। कहीं भिक्षा मांगने में कहीं गाली मिली, कहीं सम्मान मिला, पार कर गए ना उसको। ये आत्मा कहीं आसक्त नहीं होती है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, अंधकार के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद अंधकार जाते रहते हैं। अच्छी जगह और बुरी जगह नारायण दिखती रहती है। अच्छे आदमी बुरे आदमी मिलते रहते हैं,
लेकिन ये आत्मा कहीं उलझती तो नहीं है ना। कितने शरीर छोड़े, कितने प्यारे छोड़े, कितने दुश्मन छोड़े हैं, कितनी रात छोड़ी, कितने दिन छोड़े, कितने सपने छोड़े, कितने संकल्प छोड़े, कितनी योजनाएं छोड़ी, अरे कितने प्यारे छूट गए है ना। हमको हम बचपन से याद करके अगर आपको सुनाने लगे है ना, 12-13 बरस की उम्र में जब काशी में पढ़ते थे तब ऐसा मालूम पड़ता था कि ये जो हमारा दोस्त है ये कभी नहीं हमको छूटेगा। 9 बरस की उम्र में लड़का मालूम पड़ता था जो हमारे साथ था कि जिंदगी भर हम लोग साथ ही रहेंगे है ना। ऐसी कल्पना जिस समय मिलता है ना, जिस समय मिलता है उस समय ये कल्पना होती है कहीं हम छोड़ के, कहीं हम लोग अलग होके रहेंगे, छोड़ के रहेंगे। आपको भी ऐसा मालूम होगा, बोला स्त्री के बारे में मालूम पड़ा होगा, पुरुष के बारे में मालूम पड़ा होगा, मित्र के बारे में मालूम पड़ा होगा, परंतु किसी के हाथ से आपका हाथ बंधा है, किसी की नार से आपकी नार बंधी है ना। बोलते चलते हैं, भूलते चलते हैं, याद नहीं आती है, उन लोगों की याद नहीं आती, कितनी असंगता है, कितनी रंगीन रातें बीत गई उनकी याद नहीं आती है, कितनी दुखपूर्ण रातें रोते रोते बीत गई है ना, उनकी याद नहीं आती है। ये आत्मदेव तो बिल्कुल असंग है, असंग स्वभाव से असंग है। दिन भर में एक बार क्रोध आता है तो उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं, फिर काम आता है तो उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं, फिर लोभ आता है तो उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं, वो काम क्रोध लोभ सारे पीछे छूट जाते हैं। ये किसी के साथ बंधे रहते हैं, किसी के साथ बंधे नहीं रहते, ये रोज की बात है, रोज की। ये आत्मदेव व्यावहारिक दृष्टि से भी ये आत्मदेव असंग है, बंधन मुक्त है। सुषुप्ति में बंध के रहते हैं, अच्छा स्वप्न में बंध के रहते हैं, अच्छा जागृत में बंध के रहते हैं, या नहीं तीनों को रात दिन की तरह तीनों को पार करते रहते हैं, वो छूट जाती है और ये आगे बढ़ जाते हैं। द्रौपदी गिर जाती है और युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं, अर्जुन गिर जाते हैं, युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं, भीम से नकुल सहदेव गिर जाते हैं। कितने लोग आज तक मर गए, कितने लोग बिछोड़ गए, कितने लोग बेवफा हो गए, कितने तारीफ करने वाले निंदा करने वाले हो गए, कितने निंदा करने वाले लोग तारीफ करने वाले हो गए, कितने अपने पराये हो गए, कितने पराये अपने हो गए। लेकिन ये जीवन का जो क्रम है, ये जीवन की जो अखंड रस धारा है, ये तो चलती जा रही है ना। जब धारा ही चलती जा रही है तब साक्षी के संबंध में, साक्षी के संबंध में तो कहने ही क्या है ना, वो तो वृक्ष व स्तंभो जिनकी क्षति ये कहा, ठीक जो का त्यो खड़ा है, मोटर सड़क पर से कितनी दौड़ है। ये पुरुष है बता, असंग पुरुष प्रोक्त अरण्य में, जहाँ अरण्य माने होता है, अरण्य शब्द का दो अर्थ होता है संस्कृत में, एक तो अरण्य का जो अर्थ है असल में वो तो है शरण्य, हरिगत अर्थम योग्यम अरण्यम, शरण लेने योग्य जो स्थान हो उसको बोलते हैं अरण्य, और जिसमें रण न हो, लड़ाई झगड़ा न हो उसका नाम है अरण्य, उससे बनाते हैं अरण्य। अरण्य में बैठ करके ऋषियों ने उगह भय गिरी नाम संगमे का नदी नाम दिया दे प्रो अजायत, जहाँ नदियों के संगम है, जहाँ पर्वतों की तलाशी है, और जहाँ हरे भरे वन है, तब भई तब वनम, और जहाँ वन है उस वन में बैठ करके, अरण्य में बैठ करके संतों ने ये निर्णय किया कि ये आत्मा असंग है। जब मालूम पड़ता है कि किसी के साथ हम फंस गए, अब इसके बिना नहीं रह सकते, तो वो भ्रम होता है बोला, और जब ये मालूम पड़ता है कि इससे हमारी दुश्मनी हो गई, अब कभी मेल नहीं होगा, तो वो भी भ्रम है। हमने कितने दुश्मनों को मित्र होते देखा है ना, आजकल तो पूछने क्या है,
दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। तो इस पुरुष आज जो दोस्त है वो हमेशा दोस्त रहेगा, ये ख्याल नहीं रखना। आज जो दुश्मन है वो हमेशा दुश्मन रहेगा, ये भी ख्याल नहीं रखना। तो दोनों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, है ना, उन्हें सद्भाव से करना चाहिए, शुद्ध भाव से करना चाहिए, आनंद भाव से करना चाहिए। जो अपने पास है आनंद, हाँ, मुस्कुरा के उससे मिलो, है ना। उस सच्ची बात जो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की है तो कहो, है ना, हाँ, उसको खिलाओ, उसको खिलाओ। तो असंग पुरुष प्रोत वृहदार के पिछो अनंत मन संस्लिष्ट है प्रसंसा देहक कुमान। बोले तुम अपने को ये नन्ना, देहक माने क्या लग गया ना, देह में जो क्या लग गया उसका अर्थ होता है नन्ना, छोटा, अल्पो देह, अल्पो देह देह का अल्पार्थ में क्या प्रत्यय, नहीं तो देह है वो देह, देह का स्वार्थ में भी क्या प्रत्यय होता है, जैसे बाल है वो बाल का, देह है वो देह का। अरे तुम शुद्ध हो, चैतन्य हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, बोला तुम ये अनंत मल संश्लिष्ट देह कैसे हो सकते हो, किस विचार से तुमने अपने को देह माना है, विचार करके माना है कि बिना विचार से माना है, मूढ़ता से माना है कि अमूढ़ता से माना है। तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जरः परप्रकाश्योऽयम् कथम स्यात् देह का अपमान। अरे भला तुम देह कैसे हो सकते हो, तुम तो स्वयं ज्योति स्वयंभू, सत्ता की दृष्टि से तुम स्वयंभू हो, चेतन की दृष्टि से तुम स्वयं ज्योति हो, और आनंद की दृष्टि से तुम आत्मरति हो, आत्मानंद हो। अच्छा अभी प्रश्न फिर आपसे चाहिए, आज सोमवार 29 अप्रैल 1968 अपरोपान देविता देवेश्वर उपनिषद में भी ये बात कही गई है कि पुरुष असंग है, और ये देह तो अगणित असंख्य मलों से संश्लिष्ट है, ये भला पुरुष का स्वरूप कैसे हो सकता है, ये पुरुष कैसे हो सकता है। असल में असंगता जो है वो तत्वगत है, तत्व का स्वभाव ही है असंगता। इसमें जड़ चेतन का कोई भेद नहीं, जैसे मिट्टी है उसका तुम खिलौना बना दो, अंगूर में खाद डाल दो, आम में खाद डाल दो, करेला में खाद डाल दो, खेती में खाद डाल दो, और तो जहां मिट्टी को डाल दो सदाकार हो जाती है, और फिर भस्म हुई
और छोड़ दिया। पानी का शरबत बना लो, पनाला बना लो, गंदा बना लो, शरबत बनाओ, शराब बनाओ, पर पानी न शराब बनता है न शरबत बनता है, वो औपाधिक है, हो